व्हाट्सअप यूट्यूब कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो भाई अभी कह रहे हैं कि आज संडे है, कल मंडे है, कल 8 तारीख है। अभी कह रहे हैं कि कल से 80% मुंबई में सब कुछ खुल जाएगा। सब कुछ खुल जाएगा मतलब पेपर में तो पढ़ा हुआ आ रहा है कि कुछ कुछ शॉप्स खुल गए हैं, ऑड इवन दिल्ली जैसा ऑड इवन फॉर्मूला में खुल गए हैं। अभी मैं एक चीज बता दूं, पेपर में बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है, पेपर में लिखा हुआ आ रहा है कि दिल्ली में शॉप्स खुल गए, साड़ियों का दुकान दिखा रहे, इसका दुकान दिखा रहे, वो सब। अभी ये वो लोग हैं जो या तो शॉप, उनका जो शॉप है उसके नजदीक रहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर, वहां पे वो तो आराम से बाइक या कार में जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन 95% लोग बहुत दूर रहते। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे घर से मेरा शॉप 35 किलोमीटर है। ट्रेन नहीं चल रही है तो हम जाएंगे कैसे, बिकॉज मैं टोटली ट्रेन पे डिपेंडेंट हूँ, लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन पे डिपेंडेंट हूँ। लोकल ट्रेन बिल्कुल नहीं चल रही है तो लोग जाएंगे कैसे। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, सरकार कह रही है मतलब बोल बच्चन बातें तो बहुत कुछ कर रही है। पेपर में पढ़ने आ रहा है कि अभी आप शॉप्स खोल सकते हैं अल्टरनेट डेज करके, जो ये चलेगा नहीं। इट्स अ फ्लॉप प्लान, इट्स अ फ्लॉप आइडिया, इस तरीके से बिजनेस नहीं होता है। और अगर ट्रेन ही नहीं चल रही है तो लोग अपने शॉप में या बिजनेस करने जाएंगे कैसे। हमेशा तो गाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी जो चोर सरकार है उसने पेट्रोल का भाव इतना बढ़ा के रखा है कि एवरी डे अगर 35 किलोमीटर अप डाउन मतलब 75 या 80 किलोमीटर, मेरे तो कुछ कमाई तो होगी नहीं लेकिन मेरा आधा पैसा पेट्रोल में ही चला जाएगा। बीएसटी बस मुंबई की इतनी थर्ड क्लास सर्विस है, कहते हैं कि हम सब बसेस चलाएंगे, आप कभी बस स्टॉप में जाके खड़े रहिए, आप एक घंटे के बाद आपको एक बस दिखेगी, वो भी मुश्किल से, वो भी इतनी वर्स्ट कंडीशन में। यहाँ की बीएसटी बसेस है मुंबई की, वहां का ड्राइवर और ये देखिए हाथ में तंबाकू ये करते करते वो गाड़ी चला रहे, फोन करते करते हमारे यहाँ के ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, और कंडक्टर भगवान जाने इन लोग क्या किस तरीके से सर्विस देंगे। मास्क तो इन लोग खुद नहीं पहनते, बड़ी बड़ी बात करते हैं। बीएसटी बस पे तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते, बिकॉज वन ऑफ द वर्स्ट घटिया सर्विस बीएसटी बस की है। एक ही रास्ता है लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन चालू करो, कुछ प्लानिंग बनाओ कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे तो वैसे तो लगता नहीं है कि मुंबई में लोकल ट्रेन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं मतलब ट्रेन फुल होने के बावजूद भी लोग अंदर घुसने की कोशिश करते, इतनी घटिया गंदी तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो। इवन लेडीज कंपार्टमेंट भी फुल जैम रहती है। तो किस तरीके से बिजनेस होगा भगवान जाने, सरकार तो बोल बच्चन बातें बहुत कुछ कर रही है। लोकल ट्रेन जब तक चालू नहीं होगी तब तक बिजनेस कैसे चलेगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, 98% मुंबई की जो जनता है वो लोकल ट्रेन पे डिपेंडेंट है। मुंबई के मेट्रोज बंद है, मुंबई के मेट्रोज बिल्कुल नहीं चल रही है, तो सर्विस कैसे होगी, बिजनेस कैसे होगा, कहाँ से हम लोग इनकम करेंगे, कैसे सब कुछ होगा। और हमारी चोर सरकार तो किसी के अकाउंट में पैसे भी डाला नहीं है कि हाँ कुछ खर्चा तो चले, आधे लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं। और इन लोगों को क्या है, इन लोगों के पास काला पैसा धन बहुत पड़ा हुआ है, एक एक नेता साले चोर मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू ये सब में घूमते हैं। आप सोचिए इन लोग काम ऐसा क्या करते कि इतने लग्जूरियस एक्सपेंसिव कार्स में घूमते हैं। तो सब जानती है गवर्नमेंट चोर है, कोई भी हो गवर्नमेंट चोर है। तो मेरा आज का टॉपिक देखकर तो आप समझ गए होंगे कि मुंबई की लोकल ट्रेन जो सबसे पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, अगर लोकल ट्रेन ही नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी चालू कर दीजिए, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो यहाँ पे आना चाहते हैं काम करने के लिए, ट्रेन नहीं चलेगी तो फिर आएंगे कैसे। बस यही सब कुछ बातें हम लोग सोच रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, हम लोग आज सुबह वही डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि भाई कल से आप सब कुछ चालू कर सकते हो, पर जब लोकल ट्रेन ही नहीं चल रही है तो जाएंगे कैसे। अभी चलो मैं कैसे भी करके 1 वीक में अपना गाड़ी या बाइक लेकर मैं ऑफिस पहुंच गया, पर मेरे जो स्टाफ मेंबर्स है वो ट्रेन पे डिपेंडेंट है, वो कैसे आएंगे। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि सर आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हो, बहुत कुछ आश्वासन देते हैं कि ये होगा वो होगा, इकोनॉमी ये कर देंगे, बूम कर देंगे, ट्रिलियंस कर देंगे, जो बोल बच्चन बातें हैं, पर प्रैक्टिकलिटी जब आती है आप सब लोग फेल हो जाते हो, क्योंकि आपका आप लोगों का कुछ प्लान्ड रहता नहीं। तो मुंबई में लोकल ट्रेन्स कैसे चल सकते हैं, कैसे क्या प्लानिंग हो सकता है, मुझे कमेंट्स में बताइए।
मुझे एक मेरा फ्रेंड कह रहा था कि अगर अल्टरनेट डेज के हिसाब से लोकल ट्रेन चालू कर दिया जाए, मैं फॉर एग्जांपल ये बिजनेस कहिए ये बिजनेस कहिए, तो मैंने उनसे कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों को कब क्या काम आ जाए ये बोल नहीं सकते। और आज भी मैं नीचे गया था कुछ काम से, सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, लोग बिंदास घूम रहे हैं, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने मास्क नाम का पहना है, खाली मुंह कवर किया, नाक कवर नहीं किया है, कुछ कुछ लोगों ने मास्क पहना ही नहीं है, कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं हो सकता है, बिंदास घूम रहे हैं, और आप लोग जानते हो कौन लोग हैं। तो ये सब चल रहा है इंडिया में, क्या है इतने बेवकूफ कमीने लोग हैं कि इन सबको समझाना मुश्किल होता है, इस वजह से हमारा वायरस भी बढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अच्छे से एजुकेशन नहीं दिया गया है, अच्छे से टीवी में बताया नहीं गया, अगर बताने के बावजूद भी लोग ऐसे करते तब सोच सकते कैसे कमीने अनपढ़ गवार लोग हैं। मतलब इंडिया की तो पॉपुलेशन की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप जानते हैं सब जुगाड़ पे चलते हैं, सब कुछ जुगाड़ पे चलता है। तो बस आज का मेरा यही एक ब्लॉग बनाने का था कि वही मैं सोच रहा हूँ कि कल हम लोग ऑफिस जाए कैसे, सब फ्रेंड लोग वही सोच रहे हैं कि ऑफिस जाए कैसे, अगर ट्रेन ही नहीं चलेंगे, लोकल ट्रेन ही नहीं चलेंगे मुंबई की, तो हम लोग कैसे जाएंगे ऑफिस, कैसे काम करेंगे। तो बस यही, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप लोग क्या सोचते हो कुछ ऐसा, अगर अच्छा आइडिया तो मुझे बताइए।